हाय फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की मेरी रेसिपी है स्पेशल हैदराबाद खोरमा, मटन खोरमा। तो चलिए इसकी रेसिपी अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पसंद ज़रूर आएगी आपको, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। तो मैं बना रही हूँ मटन खोरमा हैदराबाद स्पेशल। तो हम मैरिनेट करेंगे, ये मटन है हाफ किलो के लिए। फ्रेश फ्रेश गार्लिक जिंजर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट घर में बना के, ये चम्मच से 3 चम्मच। अभी हम डालेंगे मिर्ची पाउडर, जितना आपको पैसे चाहिए इस चम्मच से 1.5 चम्मच। हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, स्वाद अंदाजे से डाली नमक अपने हिसाब से, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसमें मिल्ट, पुदीना। ये हैदराबाद में पुदीने के बिना कुछ नहीं होता। तो आधा किलो मटन के लिए 100 ग्राम दही, घर में बनी हुई गाढ़ी। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके रखेंगे हम, इसको रेस्ट करने आधा घंटा। हैदराबाद में हर घर में आपको मिलेगा मटन खोरमा, या बीफ खोरमा, या चिकन खोरमा। तो मटन बहुत दिन के बाद हमको मिला है आज। गोवा में अभी ग्रीन जोन है तो आज हमें मटन मिला है कितने दिनों के बाद, तो इसलिए हम सोचे कि हैदराबाद, तो मेरा ससुराल है तो हमारी सासू माँ ये बनाते हैं खोरमा, तो मैं भी वहाँ पे सीखी थी हैदराबाद में। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 1.5 घंटा या 2 घंटा रखिए, जितना मैरिनेट होगा उतना अच्छा हमारा खोरमा बनेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, तो आप इसको आधा घंटा रख सकते हो। अभी हम बाकी का मैं बताती हूँ, जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे इसको मैरिनेट करेंगे अच्छे से। तो चलिए इसको मैरिनेट करती हूँ मैं आधे घंटे के लिए, तब तक मैं बताऊँगी दूसरा इसमें क्या क्या लगेगा। कि फ्रेंड्स, अभी मैं इसका मसाला भून के ले रही हूँ। यहाँ पे खसखस, बादाम थोड़े से, दोई है, सूखा नारियल, बड़े सूप, शाहजीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग, और यहाँ पे है मूंगफली पीनट। तो चलिए ये भून चुके हैं हमारे, ये हम निकाल लेंगे, निकाल रही हूँ मैं, फिर ये भून। चलिए ये सब साथ में भूनेंगे हम, अच्छे से रोस्ट करके लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से भून लेंगे हम, पेस्ट बना के लेती हूँ मैं। ये भून चुके हैं, देखिए अच्छे से भून लिए मसाले में। अभी इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाऊंगी मैं। बहुत इजी है खुरमा बनाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें वाइट तिल भी डालते हैं, बट अभी अवेलेबल नहीं है, जो है उससे मैं बना रही हूँ। मैं तो वाइट तिल इसमें ज़रूर डालते हैं हैदराबाद में। तो चलिए इसको मैं एक अच्छा पेस्ट बना के लेती हूँ, इस सारों का पेस्ट बनाती हूँ फिर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं पीस के लिए हूँ इस तरह से, एकदम देखिए जी, ऐसे पेस्ट होना, एकदम बारीक
ये देखिए एकदम खुरमे में ऐसे ही रहना है, तभी हमारा खुरमा अच्छा बनेगा। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं प्याज रखी थी, देखिए प्याज भी इस तरह से भुना है। अब भी हम इसमें डालेंगे जो मैरिनेट की थी मैं मटन को, इसको हम डालेंगे इसमें कुकर में। समझ से ही डाल, आप चाहे तो बर्तन में भी बना सकते हो, टाइम है तो। कुकर में मैं डाल रही हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है मेरे पास, लेट हो गया है। फिर इसको 2-3 मिनट पका लेंगे हम। खुरमे में टमाटर नहीं लगते हैं, ध्यान में रख लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप डालिए, बट तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा इसका कलर प्यारा है। अभी उसमें मसाला भी डालना है और दोनों को एक साथ हमें, जो मैं मसाला बनाई थी खुरमे का, देखिए इस तरह से भून लेना है हमको। फिर पानी डालना है। चलिए पानी डालती हूँ। इसकी खुशबू बढ़िया आ रही है, तो इस तरह से हम भून लेंगे। यहाँ पे है आलू और गरम सर ग्रीन चिली, अभी इसमें डालूंगी मैं खुरमे में थोड़ा सा भूनने के बाद। आलू डालेंगे हम इसमें। आलू आप फ्राई करके भी डाल सकते हो या ऐसे भी डाल सकते हो, मटन के साथ गल लेंगे वो, चाहे तो आप तल के भी डाल सकते हो। और चिली 4-5 डालिए। अभी पत्ती में और पुदीना, नमक तो पहले ही डाली थी मैं। अभी हम डालेंगे पानी। अभी मैं इसको कुकर लगा लेती हूँ। चलिए अभी मैं कुकर लगाऊंगी, ऑलरेडी नमक डाली थी मैं, चख के बाद में डालेंगे। तो अभी इसको हम मटन गला के, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा हैदराबाद का खुरमा रेडी है स्पेशल। गोश्त भी, मटन भी गल चुका, आलू भी गल चुके। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। फिर मैं आती हूँ नई रेसिपी लेके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।